Hey dear friends, welcome back to our YouTube चैनल अर्नास स्क्वायर। सो लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीटा गामा फंक्शन, है ना। फर्स्ट लेक्चर में बीटा फंक्शन डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। तो आज के इस लेक्चर में उसी के आगे चलते हैं और गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें और सीखते हैं, जिससे कि हम जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो शायद से बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारे, कि प्रूफ करके बताना है कि गामा 1/2 कितना होता है। गामा 1/2 होता है स्क्वायर रूट 1/2, सॉरी स्क्वायर रूट पाई होता है। ठीक है, तो यही आज हम प्रूफ करने वाले हैं। तो दो पार्ट में स्क्रीन कर लेते हैं जिससे थोड़ा क्या हो, बस 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 बस, जिससे थोड़ा हाँ आधा इधर कर देंगे, आधा उधर बस। चलो देखो, ये प्रूफ करके बताना गामा स्क्वायर रूट, सॉरी गामा 1/2 जो होता है स्क्वायर रूट पाई होता है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे वहीं से, कहाँ से कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि गामा एन इक्वल्स होता है इंटीग्रल 0 to ∞। वैसे तो एक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ जानबूझ के टी के फॉर्म में लिख रहे हैं कि टी की पावर कितनी होगी, n-1, और ई रेस टू माइनस कितना होता है, टी होता है, और कितना होता है, डी टी होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, चूंकि हमें पता करना गामा 1/2, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या एन की जगह पे 1/2। अगर हम 1/2 यहाँ रखते तो क्या जाएगा, गामा 1/2 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to ∞ एंड टी रेस टू एन की जगह पे 1/2, 1/2 माइनस कितना, 1, है ना, और ई रेस टू माइनस टी और डी टी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है इंटीग्रल 0 to ∞ टी रेस टू माइनस 1/2 और कितना, ई रेस टू माइनस टी और डी टी। क्लियर है क्या है? अब इतना है तो टी की पावर में वैल्यूज मिल रही हैं हमें, है ना। तो कुछ और साथ साथ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, कहते हैं इसी में थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन और करते हैं, देखो, है ना। अब आप समझना आप कैसे को कैसे सॉल्व करना। देखो, एक काम यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर दिया, अपने पूरे प्रूफ को ऐसे कुछ सेवरल स्टेप्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले एक स्टेप डिवाइड कर दिया, अब इसमें इसके आगे क्या करेंगे, कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, एक मिनट, स्पेलिंग सही कर दो, है ना, थोड़ा क्लियर लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा आपको नोट्स में लिखने के लिए। नहीं तो सब्स्टिट्यूटिंग की जगह पे आप लिख सकते हो पुटिंग, हाँ स्पेलिंग भी सही रहेगी आपको, पुटिंग टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर ये रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी टी, दी सिंपल गाइस, द डी टी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2x और डी एक्स मिल जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहीं पे, तो देयर फोर वी गेट गामा 1/2 इक्वल्स टू, देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, टी की जगह पे जीरो तो एक्स की जगह पे जीरो, टी की जगह पे इनफाइनाइट तो एक्स की जगह पे इनफाइनाइट, ये मिल जाएगा 0 to ∞। टी की जगह पे कितना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी की जगह पे 2x और डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, देखो ये 2 तो गया बाहर, 2 बाहर आया, इंटीग्रल 0 to ∞ आया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पावर माइनस होने के कारण 1/x हो जाएगा और कितना, ई की पावर -x² और एक्स डी एक्स, तो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया, गामा 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to ∞ और ई रेस टू -x² और डी एक्स मिल गया, ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इतना काम हमारे पास हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ये ऐसा कुछ किया हमने तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक, इसके आगे चलते हैं। अगेन नाउ लिखेंगे, नाउ क्या कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग, इतना दूर तक कहाँ चला जाता है यार, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग y फॉर x, मतलब एक तरीके से x को y से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो देन वी गेट इन इक्वेशन 1, वी गेट
क्या मिल जाएगा हमें इस इक्वेशन में, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, गामा 1/2 इक्वल्स टू कितना, 2 इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू -y² और dy मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 है ना। जहां जहां एक्स आ रहा था वहां वहां हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, गामा वाई। अब वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया था मैं, ये इक्वेशन मिल गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, बस यहीं से हमें समझना है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल सकता है, गामा 1/2 का स्क्वायर मिल सकता है। और ये देखो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारे पास दो इंटीग्रल है, एक इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू -x² dx और दूसरा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू -y² और dy। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इंटीग्रल, पहले तो 4 बाहर और फिर दो इंटीग्रल है, तो दो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू, देखो इन दोनों पावर को अगर सॉल्व करें तो -x² आएगा, -t² आएगा, सॉरी टी क्यों आएगा, वाई आएगा ना, y² आएगा और dx आएगा और dy आएगा, ऐसा आ जाएगा। अब ऐसा आ जाएगा तो देखो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस कॉमन किया x² + y² लिख सकते हैं और dx और dy लिख सकते हैं, ऐसे कह दो ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक इसमें हम इस कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में, कहेंगे चेंजिंग चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ, जब पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने जाएंगे, सबसे पहले एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करते r cos θ और वाई की जगह सब्स्टिट्यूट करते r r sin θ, ठीक है। एक्स की जगह पे r cos θ, वाई की जगह पे r sin θ। तो बताओ अगर इनको स्क्वायर करके आप प्लस कर लो, x² + y² तो आपके पास क्या आएगा, r² दोनों में, तो r² कॉमन हो जाएगा और क्या आ जाएगा, cos² θ प्लस में कितना, sin² θ, यानी कि x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई, r² आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ सब्सटीट्यूशन और इसके साथ साथ कि जो dx dy आता है, dx dy जो आता है इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करते r dr और d θ, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते r dr d θ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके आगे अगर हम चलते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें ये वैल्यूज, तो क्या आ जाएगी बताओ, गामा 1/2 का क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो शायद से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। लिमिट की, लिमिट समझने के लिए देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अगर यहाँ से बताओ इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो sin θ / cos θ बन जाएगा कि नहीं, अगर हम, लेकिन वहां एक्स नहीं आएगा है ना, एक्स आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करें, ऐसे समझ लो, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर जाओ भाई, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हुआ और यहां से यहीं से ड्रॉप हो जाएगा दूसरी लाइन इधर को, ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि भाई दो वेरिएबल है ना इधर, डी एक्स भी है, देखो एक्स भी है वाई भी है, यानी कि एक्स और वाई जाएगा तो आर आएगा और थीटा आएगा, दो वेरिएबल है यानी प्लेन रहेगा अपने पास, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसे मान लिया अपन ने कितना, इसे मान लिया एक्स एक्सिस, इसे मान लिया वाई एक्सिस, तो देखो यहाँ के लिए इस लाइन के लिए जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी,
और इस लाइन के लिए जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो पाई बाय टू रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। और यहाँ पे मान लो इस जगह पे जो आर की वैल्यू है, आर की एक्स की वैल्यू मान लो कोई सी वैल्यू मान लो अपने पास, ठीक है, मान लो ओमेगा मान लेते हैं, तो इस जगह पे आर की वैल्यू ओमेगा रहेगी, क्योंकि 3D में जो एंगल बनता है उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो छोटी सी कोई क्वांटिटी यहाँ पे ले लेते हैं ये, तो यहाँ पे ऐसा कोई एंगल बनेगा, इस एंगल को ही हम ओमेगा मान लें, ठीक है। तो बताओ आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से समझने जाएं तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती, जितनी दूर तक ये वैल्यू इधर जा सकती उतने तक जा सकती है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही। तो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा की वैल्यू होती है देखो टैन थीटा इक्वल टू होता है वाई बाय एक्स। अगर ये वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो टैन थीटा की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आती है तो टेन कितने की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, टेन पाई बाई टू की, टेन से टेन कैंसिल हुआ, थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई टू आई। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, थीटा की वैल्यू वैरी करेगी 0 से लेकर थीटा की वैल्यू वैरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई टू तक। आर की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी और ये जहाँ तक जा सकता वहाँ तक जाएगी, यानी कि आर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती, इन्फिनिटी तक जा सकती। तो थीटा की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। यानी कि ये जो हमारे पास दो इंटेग्रल है, यहाँ पे ये जो दो इंटेग्रल, इसमें एक को आर, देखो यहाँ पे भी देखो dx dy क्या आता है, डी आर और डी थीटा। तो जो आर की लिमिट है वो कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से इन्फिनिटी तक, और थीटा की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से पाई बाई टू तक। तो ये जो इंटेग्रल ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 4 इंटेग्रल 0 से पाई बाई टू और इंटेग्रल 0 से कितना, इन्फिनिटी, और कितना e रेस टू माइनस कितना आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डी आर कर देते हैं, आर डी आर, तो आर यहाँ पे आर डी आर, और कितना डी थीटा। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो पहले हमें मान लो इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर इस इंटीग्रल में आर स्क्वायर की जगह पे अगर हम टी कर दे तो आर टू आर डी आर डी थीटा हो जाएगा। अगर हम इस इंटीग्रल को पर्टिकुलरली सॉल्व करें, यहाँ पर जहाँ लिमिट समझा यहीं पे समझ लेते हैं, अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो आर इस क्या इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर आर डी आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमने टी सब्सटीट्यूट किया तो 2 आर डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी, यानी कि आर डी आर इक्वल टू डी टी बाई टू। तो 1/2 यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी हुआ और e की पावर माइनस टी और डी टी हो गया, ठीक है। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर टी, तो 1/2 और माइनस e की पावर माइनस टी 0 से इन्फिनिटी। अब 1/2 तो यहाँ ऐसा कैसा ही आ जाएगा, और अगर ये वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो कितना माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और माइनस माइनस प्लस e की पावर कितना, 0। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कितना आया, 1/2। समझ आया कि नहीं, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कितना आया था, e की पावर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, t की जगह पे आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर 0 से लेकर इन्फिनिटी और कितना डी थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और कितना e की पावर 1/2 भी तो आया था, नहीं 2/2, तो ये 2 बाहर भेज दो, तो ये 2 बाहर आ गया और माइनस इन्फिनिटी से और ये प्लस में e की पावर 0 है ना, और क्या आ जाएगा डी थीटा। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, और 2 अंजा 2 2 2 जा 4, तो कितना आया, 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और डी थीटा ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रल करते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 2 और इंटीग्रल ये 0 से पाई बाय 2 है, ठीक है, 0 से π/2, 0 से π/2, तो 0 से π/2, ठीक है। अब लिखने की जरूरत नहीं, इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और इसकी लिमिट 0 से π/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 और कितना, π/2 से -0,
और जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में गामा 1/2 का स्क्वायर चल रहा है, और ये स्क्वायर सॉरी 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 ये किसके इक्वल आ रहा है, पाई के इक्वल आ रहा है। तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, गामा 1/2 इक्वल टू इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा और पाई आ जाएगा। तो यानी कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट पाई आ गई। अब बहुत सारी जगह पे ये वैल्यू यूज होगी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा 1/2 की जगह पे क्या वैल्यू होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है 1/2 की जगह पे क्या यूज करना है, स्क्वायर रूट पाई यूज करना है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, तो कुछ जो है ट्रांसफॉर्म्स हैं गामा फंक्शन के, जिन्हें आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रांसफॉर्म आपको याद रखना है। पहला, गामा एन अपॉन में जेड रेस टू एन अगर आता है तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल 0 to ∞ और ई रेस टू -z(x) और कितना x रेस टू n-1 और dx, ठीक है, ये जेड ऐसा कर दिया। फिर दूसरा ट्रांसफॉर्म है कि गामा एन इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल 0 to ∞ और log 1/y होल रेस टू n-1 और कितना dy। और तीसरा ट्रांसफॉर्म होता है कि गामा n+1 जो होता है ये होता है इंटीग्रल 0 to ∞ e रेस टू -y रेस टू 1/n और dy। ये तीन ट्रांसफॉर्म है जिसपे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इनका प्रूफ नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इससे क्वेश्चन जो बनेंगे वो डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो तीन तीन ट्रांसफॉर्म हो गए। एक और जो कि आपसे इससे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है क्या, गामा फंक्शन से ही आता है। वो है अगर कहीं पे आपको गामा एन गामा 1-n होता है तो इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं पाई अपॉन में कितना sin n π, sin n π ये वैल्यू। बहुत ही ज्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में बहुत आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो अभी अभी जो हमने प्रूफ किया है गामा mn वाला ये सिस्टम सिस्टम, तो इसको हम एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आराम तरीके से। तो अभी जो प्रूफ लिखा है वो अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो वो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कम मार्क्स में आता है तो जो अभी हमने गामा 1/2 की वैल्यू प्रूफ की है, अभी 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 प्रूफ की ना, अभी हमने प्रूफ की कि गामा गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई होता है। तो इसको कल जो हमने रिजल्ट प्रूफ किया था वहीं से वहां से भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं, देखो कि हम जानते हैं वी नो दैट क्या कि बीटा एम एन की वैल्यू जो होती है वो होती है गामा एम गामा एन और अपॉन में गामा एम प्लस एन, ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें एम इक्वल टू एन इक्वल टू 1/2 तो क्या आएगा, बीटा 1/2 1/2 और ये इक्वल टू होगा गामा 1/2 गामा 1/2 और होल अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2, ओके। अब इसके बाद देखो बीटा 1/2 और 1/2 दिस इज इक्वल टू ये आया गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाफ हाफ प्लस क्योंकि कितना हो जाएगा गामा 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब गामा 1 कितना होता है, 1 होता है, और अगर गामा 1 होता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बीटा 1/2 और 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब क्या करो, कह दो कि भाई हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि बीटा एम एन जो होता है कितना होता है, याद हो तो बताओ भाई, ये होता है क्या होता है इंटीग्रल 0 to 1, ऐसा होता है कि याद करो फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा ना जब तक समझ लो मामला गड़बड़ है। तो गामा बीटा एम एन इक्वल्स टू क्या होगा, ये शायद से क्या होता है कि एक्स की पावर कुछ होता है और 1-x की पावर कुछ होता है, यहाँ पे जो होता है पहले वाले पे
वो एक्स की पावर में जाता है, और जो दूसरे नंबर पे रहता है वो 1 माइनस एक्स की पावर में जाता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1, ओ ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, और कितना dx। ठीक है, ऐसा होगा क्या? और अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से β 1/2 और 1/2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1, और x की पावर बताओ यहाँ पे 1/2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस 1/2, हाँ नहीं सही है, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस एक्स की पावर कितना 1/2 माइनस एक्स, सॉरी -1, और कितना dx। यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रल 0 to infinity और x raised to -1/x, और 1 माइनस x raised to कितना -1/2x, सॉरी dx, ऐसा हो जाएगा। और इसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या क्या क्या, इंटीग्रल 0 to infinity और 1/2 है तो स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा, इस पे भी है तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। भाई बहुत समस्या है, बहुत समस्या, बहुत समस्या। तो अब क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट से निकालने का तरीका यही होता है ना कि यहाँ पे आगे कुछ स्क्वायर रूट में रहता है तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स इक्वल्स टू, जिससे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा रख दो, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से देखो 1 माइनस x इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कितना cos स्क्वायर थीटा, तो दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट से आ गई बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, फटाक से 2 आ जाएगा साइन थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना कॉस थीटा आ जाएगा। लिमिट की बात करें तो जब 0 है तो साइन 0 0 ही होता है, ठीक है, 0 पे 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे कितना होगा, इन्फिनिटी पे नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होता यार, है ना, बीटा फंक्शन में 1 होता है, यहाँ पे 1 0 और 1, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा इसमें π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो यानी कि इंटीग्रल बदला 0 से लेके π/2 तक, और 1/2 इसकी जगह पे कितना साइन थीटा, इसकी जगह पे कितना कॉस थीटा, और यहाँ से कितना 2 sin θ cos θ, है ना, 2 sin θ cos θ, और कितना d θ, तो साइन कॉस दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2 को बाहर भेज दो, इंटीग्रल 0 to infinity और d θ, यहाँ से 2 बाहर और यहाँ से थीटा, और कितना 0 से इन्फिनिटी। अब भाई बात नहीं 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 भाई, 0 कहाँ, इन्फिनिटी कहाँ, इन्फिनिटी कहाँ, π/2 है ना, और ये कितना π/2, यहाँ पे भी कितना π/2, अब π/2 सब्सटीट्यूट करो कितना 2 into π/2, और 0 रखो तो 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, दूसरे साइड में क्या जगह गाँव, यहाँ पे जाके के दो π/1 γ 1/2 का जो होल स्क्वायर आया हमारे पास, ये आया कितना π, तो γ 1/2 कितना हो जाएगा √π। ठीक है, तो ये दो तरीके होंगे आपको γ 1/2 को √π प्रूफ करने के, अब जो भी सही लगे आपको वो आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो इस पे बेस्ड एक आधी और बेसिक जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करे वहां चलते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज और मिलनी चाहिए आपको जिससे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, याद है आपको कि β m n को ऐसे हमने कुछ प्रूफ करा था, इंटीग्रल 0 to infinity साइन की पावर 2 m-1 θ कॉस की पावर 2 n-1 θ डी थीटा, ऐसा कुछ किया था, याद हो तो, है ना, और इसके साथ साथ शायद 2 आया था, तो यहाँ पे 2 भी था, है ना, तो अगर ऐसा कुछ है
तो हमने ये भी पढ़ा है कि बीटा एम एन, यार थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख दूं क्या, है ना, अच्छा दिखे जिससे। ये लिखा था कि साइन कितना 2m-1 था शायद से, है ना, डी थीटा, और कितना था कॉस था 2n-1 d थीटा, थीटा डी थीटा ऐसा था। और अभी अभी हमने पढ़ा बीटा एम एन कितना होता है गामा एम, और गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, कल पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा। ये दोनों वैल्यू को अगर कंपेयर कर दे तो कुछ मिल सकता है ना यहाँ से, तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट ये मिलता है कि गामा एम, नहीं, इसको ऐसे लिख लो कि इंटेग्रल 0 to infinity, ठीक, 0 to π/2 ना, यहाँ π/2 साइन कॉस में है, तो 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा और कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम गामा एन अपॉन 2 γ m + n, ऐसा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट, अगर इसी में 2m-1 की जगह पे अगर हम p रखते, सोचो अगर इसी में हम 2m-1 की जगह पे p रखते, तो यहाँ से 2m = p+1 आ जाएगा, तो m = p+1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर q रख दें, 2n-1 = q रख दें, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q+1/2 आ जाएगी, है ना। तो m+n कितना आ जाएगा, m+n कितना आ जाएगा, m+n आता ना यहाँ पे, तो अगर इसकी वैल्यू निकालें इन दोनों का सम हो जाएगा, तो p+q+1+1 2/2 ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। यही सारी चीजें अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर पी थीटा और कॉस की पावर क्यू थीटा डी थीटा इक्वल्स टू एम की जगह पे गामा p+1/2 गामा q+1/2 अपॉन 2 γ p+q+2/2 ये मिलेगा, ठीक है। तो मान लो जैसे इस फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, है ना, इस फॉर्म में बनाने में प्रॉब्लम आ रही, तो डायरेक्ट ये वाले फॉर्म पे आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस पे। फिर एक और फॉर्मूला जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछा जाता है एग्जाम में, और इस फॉर्मूले को बोला जाता है लीजेंड्रे, इस फॉर्मूले को बोला जाता है लीजेंड्रेस डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत, अभी से बता दे रहा हूँ, बहुत बहुत बहुत, अब चाहे इंपॉर्टेंट स्टार बनाओ चाहे इंपॉर्टेंट, जो भी आपका तरीका है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इस पे लगा लो, ठीक है। इसका प्रूफ मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका जो प्रूफ फॉर्मूला है वो है गामा एम इंटू गामा m+1/2 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2 raised to 2m-1 एंड गामा 2m। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है जहां पे गामा जो m होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला, बाय नेम भी पूछा जाता है और ऐसे फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो याद रखना है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रूफ मैं करवाऊंगा, ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है, बाय बाय।